सर एक तो ए हट्टा सर होना चुप चुप आप लोग ने यहाँ पे आज आकर हमें समय दिया है बात करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस इसके बाद मैं थोड़ा बोलने के बाद दो अलग पार्टीज भी है यहाँ पे जो अपना बात रखेंगे मैं सिर्फ तीपरा मौथा के लिए बात करना चाहता हूँ मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाई इलेक्शन। तीपरा मौथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से इतिहास और त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट किया है। आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें, ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दें। आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी कांग्रेस सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन हमने कर दिया है। और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तीपरा मौथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के साथ है, सब धर्म के साथ है और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है, हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है। और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन तीपरा साहब का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे में बात नहीं करते। जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे में बात नहीं करते। आपको और एक बात मैं बोल दूँ, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स आज तक सबने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए। हमने एक हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का। मैं चाहता हूँ कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। हम बात कम करते हैं, हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूँ कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे में बोले। मेरे संग यहाँ में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तीपरा मौथा को इस बाई इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे। टुवर्ड्स माय राइट इज माय ओल्ड कोलीग हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूजन बिस्वास, एंड आई ऑल्सो हैव विलास कुंडू हुज गॉट हिज ओन पार्टी और अ ब्रिगेड फॉर द एससीपी। मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तीपरा मौथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है। और त्रिपुरा जिस अगले सात महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा और उस चेंज में तीपरा मौथा भी शामिल होगा। तीपरा मौथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर कोर आइडियोलॉजी। वी वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एंड वी विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर दैट, बट वी विल ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू दोज़ हु कैन नॉट स्पीक। हम उनको भी मौका देना चाहते हैं जो ट्राइबल नहीं भी हो तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला। और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा था आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया कि
कि पिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता। पिपरासा का दिल बड़ा है, पिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है और पिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ टीडीएफ, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइजर भी है तापस बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा लगता है तापस बाबू यहाँ देख कर। पुण्यता चाकमा है मेरे मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर राजेश्वर है, यहाँ में अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है, हमारे अनंत बाबू है यहाँ में, विलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल करें। थैंक यू। वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना? थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे मैं क्यों ना बोलूँ, अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूँगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं सीपीएम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, मैं बीजेपी को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी एससी, वो फाइट कर रहा है, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर एमएलए बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे में बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। सर, इस सी राइट नाउ वी हैव लुक्ड एट द एंटायर डेमोग्राफिक्स एंड वी हैव सीन दैट वी हैव अ साइजेबल इन्फ्लुएंस इन सुरमा, एंड अगर इफ देयर इज इलेक्शंस टुमारो, लेट्स से दिस इलेक्शंस अनाउंस इन अमरपुर, वी डेफिनेटली फाइट। If this election is announced in Teliyambura, we definitely fight. Mohanpur, we definitely fight. There are many seats, Matabari, Dhanpur, Amarpur, we are also Pani Sagar. So, there are many seats, Kalyanpur. Kamalpur, Maharaj. Oh, arre, toh yeah. Kamalpur. Kamalpur, we have a very strong presence. So, we will fight. We are there. We have zeroed in 35 seats. But tomorrow we can even fight in 56, 55 seats. We are growing. Somebody else is reducing. So we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised.